हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनव जैन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर, अ चैनल फॉर इंजीनियर्स बाय एन इंजीनियर। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, जो वीडियो मैं आपके लिए आज लेके आया हूं वो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे स्लरी रिएक्टर के बारे में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चले शुरू करते हैं आज की वीडियो, स्लरी रिएक्टर। तो सबसे पहले जानते हैं स्लरी क्या होती है। सॉलिड, लिक्विड या गैस, गैस का कोई भी मिक्सचर होता है उसे स्लरी कहते हैं। मड हुई, सीमेंट या पेट्रोकेमिकल्स में एडिटिव्स का जो मिक्सचर होता है, सब स्लरी के एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके बाद जानते हैं रिएक्टर क्या होता है। रिएक्टर कोई भी वेसल जिसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं या जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं वो रिएक्टर कहलाता है। ठीक है, अब जानते हैं स्लरी रिएक्टर क्या होता है। स्लरी रिएक्टर थ्री फेज रिएक्टर्स होते हैं। मतलब ये वो रिएक्टर्स होते हैं जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ रिएक्ट करती हैं। इसमें क्या होता है, जनरली एक कैटलिस्ट होता है उत्प्रेरक सॉलिड की फॉर्म में, जो लिक्विड में सस्पेंडेड रहता है। इस लिक्विड के थ्रू हम गैस को बबल करते हैं। ये जो रिएक्टर होता है ये सेमी बैच ऑपरेशन में या कंटिन्यूस ऑपरेशन दोनों तरह से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। थ्री फेज रिएक्शन के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजनेशन वेजिटेबल ऑयल। तो उसमें गैस क्या है हमारी, हाइड्रोजन है, लिक्विड क्या है, ऑयल है, और निकल कैटलिस्ट है सॉलिड की फॉर्म में। दूसरा रिएक्शन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलीन, इथाइलीन गैस है हमारी, साइक्लोहेक्सेन हमारा क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, और जिगलर नट हमारा कैटलिस्ट है। फिशर ट्रॉफ सिंथेसिस, इसमें हमारी हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, हमारे गैसेस हैं, लिक्विड हमारा हाइड्रोकार्बन ऑयल है, और कैटलिस्ट क्या है हमारा सॉलिड फॉर्म में आयरन है। तो ये क्या है, ये एग्जांपल्स दिए थ्री फेज रिएक्शन क्या होती है। स्लरी रिएक्टर्स को हम तीन पार्ट टाइप में क्लासिफाई करते हैं, बबल कॉलम रिएक्टर्स, फिशर ट्रॉप्स रिएक्टर और स्लरी बैच रिएक्टर्स। इन तीनों का डायग्राम देख लेते हैं हम, बबल कॉलम रिएक्टर, फिशर ट्रॉप ट्यूबुलर रिएक्टर और स्लरी बैच रिएक्टर। क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके मेन है इसके कॉम्पोनेंट्स को जानना और वर्किंग मैकेनिज्म को जानना कि रिएक्शन कैसे होती है। चलते उस तरफ, तो पहले पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन। तीन मेजर पार्ट्स जो होते हैं इस रिएक्टर में, एक सबसे पहले होता है रिएक्शन टैंक। रिएक्शन टैंक ये ग्लास का या स्टील का बना होता है, इसी के अंदर सारा जो कैटलिस्ट होता है वो और हमारा जो बाकी गैस लिक्विड वगैरह होता है सब इसी के अंदर होता है। बाकी जो के जो एडिशनल पार्ट्स होते हैं रिएक्टर के वो इसके ऊपर माउंटेड होते हैं, वो इसी के ऊपर लगाए जाते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा स्पार्जर, आप साइड में फिगर में देख सकते हैं स्पार्जर नीचे लगा हुआ है। ये एयर को या गैस को इंट्रोड्यूस कराता है रिएक्टर में। ये बॉटम पे लगा होता है, इसमें ट्यूब्स और होल्स होते हैं जिसके थ्रू एयर या गैसेस निकलती है। इसके बाद है कूलिंग कॉइल्स। कूलिंग कॉइल्स के थ्रू हम वाटर को सर्कुलेट कराते हैं। वाटर को सर्कुलेट करने के पीछे मकसद होता है कि जो हीट ऑफ रिएक्शन है उसको लो करना, या जो टेम्परेचर अगर वेसल के अंदर ज्यादा हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना। वर्किंग क्या है इस रिएक्टर की, रिएक्टर के अंदर कैटलिस्ट जो पैलेट्स होती हैं वो सस्पेंडेड होती हैं लिक्विड में। गैस रिएक्टेंट जो होता है उसको हम स्पार्जर की सहायता से बबल करते हैं। ये गैस लिक्विड में एब्जॉर्ब होती है बबल के सरफेस पर। उसके बाद जो एब्जॉर्ब गैस होती है वो क्या करती है, वो लिक्विड से कैटलिस्ट के सरफेस पे जाती है जहां पर डिफ्यूजन होता है और रिएक्शन होती है। दोबारा समझ लीजिए, सबसे पहले क्या होता है कि लिक्विड के अंदर कैटलिस्ट की पैलेट सस्पेंडेड होती हैं। हम नीचे से स्पार्जर की सहायता से गैस को बबल कराते हैं। जो ये गैस होती है वो लिक्विड में एब्जॉर्ब होती है। ये एब्जॉर्ब गैस लिक्विड से डिफ्यूज करते कैटलिस्ट के सरफेस पर, वहाँ पे फिर
डिफ्यूजन होता है और रिएक्शन स्टार्ट होती है। कॉन्टेक्स्ट समझिए, देखिए हमने कोई रिएक्टेंट लिया ए जो गैस से लिक्विड में डिजोल्व हो रहा है, ठीक है, बी लिक्विड है हमारा और रिएक्शन सॉलिड कैटलिस्ट पे हमारी रिएक्शन हुई और हमें क्या मिले, प्रोडक्ट्स मिले हैं। तो ए बेसिकली क्या हो गया हमारा, गैसेस फेज हो गया जो गैस से लिक्विड में डिजोल्व होगा, बी हमारा लिक्विड है जिसके अंदर हमारा कैटलिस्ट सस्पेंड है, कैटलिस्ट के सरफेस में रिएक्शन होगी और हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। देखिए स्टेप वन क्या होगा, मास ट्रांसफर ऑफ गैस थ्रू गैस फिल्म। सबसे पहले क्या होगा, गैस का मास ट्रांसफर होगा और वो गैस फिल्म को क्रॉस करके आ जाएगी। इसके बाद क्या होगा, जो गैस हमारी गैस फिल्म को क्रॉस करके आई लिक्विड में, अब उस मास ट्रांसफर होगा लिक्विड फिल्म से, ठीक है, यानी कि अब वो क्या आ गई, लिक्विड फिल्म से हमारी गैस क्रॉस करके आ गई किसमें, बल्क लिक्विड में। इस बल्क लिक्विड में क्या होगा, मिक्सिंग और डिफ्यूजन होगा गैस का, यानी कि गैस यहां पर लिक्विड के साथ मिक्स करेगी और डिफ्यूजन करेगी। इसके बाद अब ये जो डिफ्यूज गैस है हमारी क्या होगा, कैटलिस्ट के सरफेस पे जाएगी जहां पर क्या होगा, मास ट्रांसफर होगा कैटलिस्ट के सरफेस पे, उसके बाद क्या होगा, मास ट्रांसफर होगा। और स्टेप फिफ्थ में ये मास ट्रांसफर जो हो रहा है वो फिर क्या होगा, वो रिएक्शन होगी कैटलिस्ट के सरफेस पर। दोबारा समझ लीजिए, मास ट्रांसफर ऑफ गैस थ्रू गैस फिल्म, सबसे पहले क्या होगा, गैस का मास ट्रांसफर होगा गैस फिल्म के थ्रू और वो लिक्विड में आ जाएगी लिक्विड फिल्म। अब इस क्या होगा, ये जो गैस हमारी आई लिक्विड फिल्म को क्रॉस करके या मास ट्रांसफर करके किस आ जाएगी, किसमें, ये बल्क लिक्विड में हमारी। यहां पर क्या होगा, मिक्सिंग और डिफ्यूजन होगा गैस का बल्क लिक्विड में। इसके बाद क्या होगा, ये बल्क लिक्विड में आ गई, इसी में हमारा कैटलिस्ट सस्पेंडेड है, तो कैटलिस्ट के सरफेस पे मास ट्रांसफर होगा और फिर क्या होगा, मास ट्रांसफर होने के बाद क्या हो जाएगा, बेसिकली जो गैस है हमारी अब जो ये लिक्विड की फिल्म को क्रॉस कर देगी कैटलिस्ट के सरफेस पे, जो लिक्विड की फिल्म है, और लिक्विड की फिल्म को क्रॉस करके क्या आ जाएगी, कैटलिस्ट के जब कांटेक्ट में आ जाएगी तो वहां पर क्या होगा, कैटलिस्ट के सरफेस पे रिएक्शन होगी। तो फाइव स्टेप मैकेनिज्म है स्लरी रिएक्टर की। इसे एग्जांपल देख लेते हैं, हमने बबल कॉलम रिएक्टर से हमने क्या बना रहे हैं, मिथेनॉल बना रहे हैं, स्लरी रिएक्टर है। तो क्या है, इसका एग्जांपल हमने पीछे दिया था, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये एक कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्ट करते हैं, कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मिथेनॉल बनाते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, इसमें मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिना का मिक्सचर होता है। 5 से 10 मेगापास्कल के प्रेशर पर और 250 डिग्री सेल्सियस पर जो रिएक्शन होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स CH3OH यानी कि मिथेनॉल। मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन क्या है इसका, सबसे पहले सिंथेसिस गैस या सिन गैस हमारे रिएक्टर के बॉटम से गई मिनरल ऑयल में, जो हीटेड मिनरल ऑयल है हमारा उसमें गई। ये गैस रिएक्ट करी कैटलिस्ट की सहायता से जिसने मिथेनॉल बनाया। अनरिएक्टेड गैस और मिथेनॉल की वेपर्स को रिएक्टर के टॉप से हमने बाहर निकाला और एक बार रिएक्टर से निकलने के बाद इस मिथेनॉल को हम कंडेंस कर लेते हैं। आइए देखते हैं डायग्राम की मदद से। हमने बॉटम से सिंथेसिस को फीड कराया, रिएक्टर के अंदर हमारा मिनरल ऑयल हीटेड पहले से ही था, जब सिंथेसिस गैस हमारी इसके अंदर गई तो कैटलिस्ट की सहायता से रिएक्शन हुई हमारी, जहां पर सिंथेसिस गैस ने रिएक्शन करके क्या बनाया हमारा, मिथेनॉल बनाया। मिथेनॉल बन गया हमारा, तो मिथेनॉल की वेपर्स और अनरिएक्टेड सिंथेसिस गैस को हमने ऊपर से विड्रॉ करा और जो वेपर्स हमारे मिथेनॉल की आई थी उसको हम कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं। ये डायग्राम की सहायता से हम इसको समझ रहे हैं। इस रिएक्टर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेजेस, टेम्परेचर कंट्रोल हमारा इसमें अच्छा होता है, हीट रिकवरी हम अच्छी कर लेते हैं इसमें। इसमें क्या होता है कि हम कांस्टेंट जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी होती है उसको मेंटेन कर लेते हैं, कि हम कैटलिस्ट को थोड़ा सा हमने ऐड कराया और जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी है वो कांस्टेंट रूप से चलती रहती है। ऐसा नहीं कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी कहीं कम हो गई कहीं ज्यादा हो गई, थोड़ा सा हमने कैटलिस्ट सस्पेंड कराया और वो एक्टिविटी लगातार चलती रहती है।
ये उन रिएक्शंस के लिए बहुत हेल्पफुल है जहां पर हम कैटलिस्ट को हम पैलेट्स में यूज नहीं कर पाते या कैटलिस्ट के पैलेट्स हम नहीं बना पाते, जहां पाउडर फॉर्म में सस्पेंडेड हम कैटलिस्ट को रखना होता है। इस रिएक्टर में कि जो लार्ज हीट कैपेसिटी होती है, ये एडवांटेज है इसकी, वो इसको एक्सप्लोजन वगैरह से बचाती है। जहां एक्सप्लोजन वगैरह खतरा हो तो वहां पर हम इन रिएक्टर्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इसकी। सबसे पहले क्या डिसएडवांटेज है कि रिएक्टर में प्लग अप रिएक्टर प्लग कर सकता है, यानी कि चोक कर सकता है। अनसर्टेनिटी इन डिजाइन प्रोसेस, डिजाइन प्रोसेस में इसमें अनसर्टेनिटी है। बहुत टाइम से इसमें काम चलता आ रहा है लेकिन अभी तक प्रॉपर अभी भी इसमें काम चल रहा है, यानी कि ये शो करता है कि इसमें अभी भी और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। रिएक्शन कराने के लिए या कैटलिस्ट को सस्पेंड करने के लिए एक सुटेबल लिक्विड फाइंड करना मुश्किल होती है। ऐसा लिक्विड फाइंड करना कि जो कैटलिस्ट का रिएक्शन भी ना करे और उसमें कैटलिस्ट सस्पेंड भी हो जाए, ये एक प्रॉब्लम होती है। और लिक्विड टू कैटलिस्ट रेशियो इसकी हाईएस्ट है एज कम्पेयर टू अदर रिएक्टर्स, यानी कि जो इसमें लिक्विड टू कैटलिस्ट रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कैटलिस्ट का कंजप्शन ज़्यादा होगा। एप्लीकेशंस क्या हैं इस रिएक्टर की? ये रिएक्टर्स जनरली वहाँ यूज होते हैं जहाँ पर हम लिक्विड रिएक्टेंट को हमें सॉलिड कैटलिस्ट के साथ कॉन्टैक्ट में लाना होता है और जहाँ पर रिएक्शन की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा हो। इसी वजह से ये जो रिएक्टर्स हैं ये हाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, हाइड्रोफॉर्मेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन प्रोसेस और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने स्लरी रिएक्टर के बारे में जाना, उसके कंस्ट्रक्शन, क्लासिफिकेशन, वर्किंग, काइनेटिक्स के बारे में जाना और हमने प्रोडक्शन ऑफ मिथेनॉल जाना कि कैसे होता है इस रिएक्टर में। हमने इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज जाने और एप्लीकेशंस जाने। उम्मीद करता हूँ इसलिए रिएक्टर आपको समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।